हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था, उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, तो उसी अल्पकालीन उत्पादन फलन में आज हम बताने जा रहे हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन के नियम। उस नियम को किस नाम से जानते हैं? इस नियम को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे एक साधन प्रतिफल का नियम, क्योंकि आपको बताया गया है कि अल्पकाल में उत्पादन के जो साधन होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक होता है स्थिर और एक होता है परिवर्तनशील। कुछ साधनों को हम स्थिर रखते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और कुछ जो है हमारा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, जिसको उत्पादन के साथ साथ बढ़ाया या घटाया जाता रहता है। इसी का दूसरा नाम है परिवर्तनशील अनुपात का नियम और अल्पकालिक उत्पादन फलन के नियम से भी जानते हैं। जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर केवल कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जाता है, उस स्थिति में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन ये उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हमेशा नहीं होती है, क्योंकि साधन तो कुछ साधन तो स्थिर रहते हैं, तो स्थिर साधन की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही परिवर्तन साधनों में वृद्धि या कमी होती रहती है। तो ऐसे में जब कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ में परिवर्तन किया जाता है, जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो तीन तरीके चलती है, यानी कि अब तीन प्रकार के नियम में वर्गीकृत किया जाता है। जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, वो कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, उत्पत्ति वृद्धि नियम। नंबर टू, उत्पत्ति समता नियम। एंड नंबर थ्री, उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, उत्पत्ति वृद्धि, क्योंकि हमें बताया है कि उत्पादन की मात्रा में जब परिवर्तन साधनों में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो उत्पादन में जब वृद्धि होती है, तो जब वृद्धि समान रहती है तो समता नियम, जब उत्पादन में कमी होने लगती है तो उत्पत्ति ह्रास नियम। अब इन तीनों नियमों को हमें पढ़ना है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है, उत्पत्ति समता नियम क्या है और उत्पत्ति ह्रास नियम का, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम की। नंबर वन, उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या होता है, जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन किया जाता है, ऐसी स्थिति में जो उत्पादन होता है, उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। क्या होती है? उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। कहने का मतलब होता है, इस अवस्था में, उत्पत्ति वृद्धि के नियम की अवस्था में, जो हमारा सीमांत उत्पादन होता है, सीमांत उत्पादन यानी कि एमपी, और जो हमारा औसत उत्पादन होता है यानी कि एपी, ये दोनों ही क्या हो रहे होते हैं? दोनों ही बढ़ते हैं। ठीक है ना, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां पर उत्पादन में वृद्धि होने की दशा में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही बढ़ रहा हो, तो उस अवस्था को हम उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। अगर इसको उदाहरण के लिए अगर समझना है, अगर उदाहरण के लिए समझना है तो समझिए, एक तरह हम लेते हैं परिवर्तनशील साधन को, यहां पर लेते हैं कुल उत्पादन को, यहां लिया जाए सीमांत उत्पादन को, और यह है हमारा औसत उत्पादन। ठीक है ना, ये हो गया एक दो तीन चार। अब होता क्या है ना, जैसे कुल उत्पादन पहले 40 है, फिर 90 हो गया, फिर 150 हो गया, ठीक है, फिर हो गया 220 हो गया, तो इस स्थिति को हम वृद्धि नियम, क्योंकि जो वृद्धि हो रही है कुल उत्पादन में, कैसे पता चलेगा? सीमांत उत्पादन निकाल के देखिए, पहले यूनिट पे 40 है, 90 से 40 गया 50, 150 में से 90 गया 60, 220 में से 150 गया 70, और भाई भाई एपी निकालिए, एक से भाग करेंगे 40, 90 को 2 से भाग करेंगे 45, 150 को 3 से भाग करेंगे 50, 240 को 4 से भाग करेंगे 4 × 20, 4 × 20, यहां पर औसत उत्पादन, यहां पर सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन, तीनों में ही वृद्धि होती है। मतलब कुछ साधनों को स्थिर रखकर यदि कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जाता है, ऐसी स्थिति में उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है, यानी कि जो वृद्धि की दर वो भी बढ़ते दर पर होता है, सीमांत और औसत दोनों में ही वृद्धि होती है। इसका जो ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यहां पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही हमारे क्या होते हैं,
बढ़ती हुए होते हैं। कुल उत्पादन तो बढ़ता हुआ होता ही है, लेकिन इसके बाद आती है दूसरी स्थिति नंबर टू, उत्पत्ति समता नियम। समता का मतलब समझते हैं ना, समान एक जैसा। मतलब यहां पर वही सेम है कि कुछ साधनों को स्थिर रखकर अगर कुछ साधनों में ही वृद्धि किया जाता है, ऐसे में उत्पादन, जो कुल उत्पादन होता है, उत्पादन में समान दर से क्या होती है, वृद्धि होती है। उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है, कहने का मतलब होता है जब समान दर से वृद्धि होगी, ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही कैसे होंगे, समान होंगे, दोनों में हमेशा बराबर होंगे। कैसे, उदाहरण के समझिए, सिर्फ उदाहरण लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या परिवर्तित साधन की इकाइयां, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, और ये हो गया औसत उत्पादन, ये हो गया एक दो तीन चार। कुल उत्पादन बात करते 40, 80, 120 और ये हो गया 160। अब एमपी निकालिए, एमपी पता है ना, टीपीएन माइनस वन, पहले यूनिट पे 40 है, 40 में 80 में से 40 गया 40, 120 में से 80 गया 40 और 160 में से 120 गया 40। भाग कीजिए एपी निकालने के लिए, 40 को 1 से भाग करेंगे, 40 और योगी 40। देखिए एमपी और एपी दोनों ही क्या है, यहाँ पर समान है। ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनाया जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, एपी इक्वल टू एमपी, समान होता है दोनों, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है या कुछ को परिवर्तन किया जाता है, जैसे श्रम कम या ज्यादा होने से जो उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो समान दर से होती है, एक फिक्स रेट पे होता है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है 40 से 80, 80 सब में 40 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर एमपी और एपी दोनों ही बराबर हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जो तीसरा पॉइंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आधुनिक अर्थशास्त्री होते हैं ना, जो आधुनिक अर्थशास्त्री इसी को पूरा नियम बनाते हैं, इसी को पूरा एक नियम बताते हैं कि ये दोनों जो नियम होते हैं, जो उत्पत्ति ह्रास नियम का ही एक अंग है। कैसे वो अंग है वो समझिए यहां पर, दैट इज पॉइंट नंबर 3, उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम एक्चुअल में होता क्या है भाई, सेम चीज है, उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर जब कुछ में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में जो उत्पादन में वृद्धि होती है, जो उत्पादन में वृद्धि होती है वो घटते दर पे होती है, यानी कि उत्पत्ति का जो बढ़ने का जो रेट होता है ना, वो क्या होता है, धीरे 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 कम होते चले जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है, और एक टाइम ऐसा होता है कि उत्पत्ति जो है हमारी क्या होती है, उत्पादन जो है एक्चुअली में घटने लगती है, क्या होने लगती है, घटने लगती है। और यहां पर जो एपी होता है, यानी कि जो औसत उत्पादन होता है और सीमांत उत्पादन, एमपी और एपी दोनों ही क्या होते हैं, घटती है, दोनों में ही कमी होने लगती है, दोनों ही कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बताएं, समझिएगा, यहां पर ये हो गया टीपी, एमपी और एपी, ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं। अब बात करते हैं कुल उत्पादन की, कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, ये हो गया 40, 40 70, 90, 90 100, और ये हो गया फिर हमारा कितना 100। और एमपी कितना होगा इस स्थिति में, जो एमपी हो रहा है हमारा, तो माइनस कर देंगे 70 में से 40 गया, ये हो गया तुम्हारा पहले 40, फिर हो गया 30, फिर हो गया 20, 10 हो गया, फिर हो गया 0, धीरे धीरे एमपी कम हो गया। ऐसे में जो एपी होता है, यानी कि औसत उत्पादक, उसमें भी कमी, क्योंकि प्रति का उत्पादन होता है, ये हो गया 40, दो से भाग करेंगे 35, तीन से भाग करेंगे 30, चार से भाग करेंगे 25 और पांच से भाग करेंगे 20, दोनों ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। जब ये कम होता है, जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं चलिए वो देखते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जो एपी होता है और जो एमपी होता है दोनों ही क्या हो जाएंगे कम, और एमपी यहां तक क्या होता है माइनस में भी आ सकता है।
अब आधुनिक अर्थशास्त्री ने उत्पत्ति ह्रास नियम को आधुनिक उत्पादन फलन के अल्पकालिक उत्पादन फलन के नियम कहा है, क्योंकि ये एक ऐसा नियम है जहां पर यह बताया जाता है कि उत्पादन में हमेशा घटती दर से ही वृद्धि होती है। हाँ, एक दो पॉइंट बढ़ सकती है, जैसे जैसे हम जो है परिवर्तन साधनों की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, जो औसत उत्पादन है, जो सीमांत उत्पादन है, उसमें कमी आने लगती है। अगर सभी नियमों को हम एक साथ कर देते हैं, तो उदाहरण समझिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा टीपी एमपी और ये हो जाएगा एपी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या होता है, देखिए समझिएगा कि 40 90 130 160 180 180 फिर कितना हो जाएगा 160। अब एक्चुअली में यहां पर एमपी कितना हो रहा है, एमपी हो जाएगा हमारे पास पहले यूनिट पे 40 50 40 30 20 0, ये हो गया माइनस का 20। एपी निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 20 45 3 4 12 3 3 का बचेगा 1 3 3 9 3 3 9 4 से भाग करेंगे 4 4 16 5 से भाग करेंगे 35 6 से भाग करेंगे 6 3 18 7 से भाग करेंगे 7 2 14 और बचेगा 2 7 9 14, ठीक है, और बचेगा 14 20, बचेगा कितना 6 7 8 56, ये हो गया। अब यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर एक चीज है, यहां तक हमारा एमपी जो है प्लस में है, यहां पर हमारा जीरो हो रहा है, ये माइनस। तो उत्पादन की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होता है जब ये बढ़ रहा होता है, एक होता है जब स्थिर होता है, और एक में जब कमी होने लगती है। तीन अवस्थाएं होती है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और जब तीनों अवस्था को एक साथ अगर एक ही ग्राफ में हमें शो करना होता है, तो ये समझिए इसको कैसे शो कर सकते हैं हम। पहले उत्पादन में वृद्धि होती है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर घटने लगती है, ये टीपी। जब हमारा टीपी सबसे ज्यादा होता है, उस स्थिति में जो एमपी होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, और एपी कुछ इस तरह से बढ़ता चला जाता है, ये एपी। ये हमारा आधुनिक उत्पादन, ठीक ना, उत्पत्ति का नियम, जहां पर हमारा ये मान के चलते हैं कि एक सीमा तक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, उसके बाद ये स्थिर हो जाती है, फिर ये माइनस में आ जाती है, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं आधुनिक उत्पत्ति फलन का नियम। आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें, तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डिटेल से बताया है, तीनों अलग अलग नियम उसके साथ अगर कंबाइन करके पूछा जाता है तो भी आप आराम से बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।